कल्याण डुमरी महानगर पालिका क्षेत्र में अवैध बांधकाम पर 15 दिनों के अंदर तोड़क कार्य करने के आश्वासन के बाद निषाद शेख का अनशन पीछे लिया गया है। याद रहे कि पिछले 3 दिनों से मनपा के खिलाफ ये भूख हड़ताल जारी थी। कल्याण पश्चिम के सुभाष मैदान पर मासा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और मनपा क्षेत्र के अवैध बांधकामों के खिलाफ समर्थ सामाजिक संस्था की ओर से निषाद शेख अनशन पर बैठे थे। 21 तारीख की शाम मनपा उपायुक्त के लेखित कार्रवाई के आश्वासन के बाद ये भूख हड़ताल निषाद शेख ने पीछे लिया है। इस मौके पर हमारे प्रतिनिधि ने निषाद शेख से पूछा कि भूख हड़ताल का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि मनपा क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध बांधकाम किए जा रहे हैं और इस पर मनपा अधिकारियों का कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि मनपा के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का इस बांधकाम को पूरा समर्थन है। मेरा नाम निषाद शेख है, मैं समर्थ सामाजिक संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और मेरी मांग ये है कि जो भी अनाधिकृत काम हो रहे और लोगों की फसौनी हो रही है वो तत्काल बंद होना चाहिए। रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन इतनी लापरवाह और लाचखोर है कि वो आज हमको 3 दिन हो गया, हमारे से कोई बात करने तैयार नहीं है। हमारे पास पेपर है, म्यूनसिपाल्टी के दिए हुए पेपर है, उस पर भी वो कोई संज्ञान लेने तैयार नहीं है, सीधे सीधे हमको नकार रही है और माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। इसमें तुषार सोनोने जो है ये माफियाओं का सरगनाओं का साथ देता है, इसमें धरेंशर जाधव और म्यूनसिपाल्टी के बहुत से अधिकारी है जो माफियाओं का साथ दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि ये तत्काल बंद होना चाहिए और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। तुषार सोनोने पर, तुषार सोनोने हमको बोलता है कि हम धरेंशर जाधव के हुकुम पे ये सब ऑर्डर दे रहे ले लोगों का जो तोड़ना है ये है और इनलीगल जो बिल्डिंग हो के मैं पेपर बताता हूँ। ये पेपर है, इसमें ये पेपर है, इसमें एक जगह एक बिल्डिंग को 4 माले का परमिशन है और उसी बिल्डिंग का कॉपीराइट्स 8 माले का। आप ये पेपर देख सकते हैं और इस पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और इस पर ये क्लीन चिट देते हैं, ये क्लीन चिट देते हैं कि वो बिल्डिंग में कोई वाड़प काम नहीं है, जबकि वो खेल के मैदान पे एक खेल के मैदान पे बनी हुई, वहाँ खेलने का ग्राउंड पास हुआ है उस पर बनी हुई और इस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए और तुषार सोनोने और धरेंशल को सस्पेंड करना चाहिए, हमारी मांग है। और जब तक के सस्पेंड नहीं होंगे हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमको ये भी खबर आई है कि डॉक्टरों के पास भी बातें पहुँच गई है, वो साजिश कर रहे हैं कि मेरे को उठाने की, बाकी ना मैं अपना उपचार करना चाहता हूँ ना यहाँ से उठना चाहता हूँ। कोई भी आवे मैं अपनी जान के बारे में लिख के देना चाहता हूँ कि मैं मर भी गया तो किसी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई डॉक्टर पे, इनके साथ मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, बस मेरी यही मांग है।